इस क्वेश्चन में जिंक और कॉपर के बीच में एक सेल सेटअप किया गया है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का और कॉपर का दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब इनको करंट किए तो करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, थोड़ी देर के बाद रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। उस समय जिंक और कॉपर का आयन है, उनका रेशियो मांगा है। तो देखो होता क्या है, एक्चुअली इसका नेट रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो आएगा जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू Zn2 प्लस प्लस कॉपर। देखो स्टार्टिंग में जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर 2 प्लस रिड्यूस होगा, बट ये कब तक होगा? ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन चलता रहेगा जब तक पूरा जिंक रॉड कंज्यूम नहीं होता है या जब तक पूरा कॉपर 2 प्लस कंज्यूम नहीं होता। जरूरी नहीं है कि पूरा रॉड कंज्यूम होगा तभी रिएक्शन रुकेगा, रिएक्शन उसके पहले भी रुक सकता है। कैसे समझते? देखो ई सेल क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, इस केस में 2 आएगा, लॉग ऑफ जिंक 2 प्लस बाय कॉपर 2 प्लस। देखो स्टार्टिंग में वोल्टेज ज्यादा होता है, बट जैसे जैसे रिएक्शन जाएगा आगे बढ़ेगा, जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन देखो जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। देखो जिंक 2 प्लस प्रोड्यूस हुआ, सो दिस इज इंक्रीजिंग, एंड कॉपर 2 प्लस कंज्यूम हुआ तो दिस इज डिक्रीजिंग। सो ये पूरा ओवरऑल क्या हो गया, न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, मींस दिस रेशियो एज अ होल इज इंक्रीजिंग। अब जब ये इंक्रीज करेगा तो ये पूरा इंक्रीज करेगा, तो देखो नेगेटिव टर्म इज इंक्रीजिंग, तो मींस ये छोटा होता जाएगा ना, दिस माइनस दिस, थोड़ी देर के बाद ये बड़ा हो जाएगा तो हम लोग बड़ा नंबर माइनस करेंगे इससे, तो ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, अल्टीमेटली ये जीरो पहुंच जाएगा। उस समय वोल्टेज कितना, जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्लोइंग, उसी समय बोलेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, नो नेट करंट इज फ्लोइंग। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो किया, धीरे 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 ईएमएफ कम होता जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम ई सेल विल बी इक्वल टू जीरो, तो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है दिस रेशियो व्हेन दिस ई सेल इज जीरो, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस। अब ई नॉट निकालते हैं, देखो ई नॉट क्या हो जाता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दो तरीके हैं, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर दीजिए, या फिर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कीजिए, मतलब ये हो जाएगा माइनस ई नॉट एनोड इसका आरपी प्लस ई नॉट कैथोड का आरपी, जो आपको सही लगे यूज कर लीजिए, मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ। तो एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76, कैथोड का रिडक्शन हुआ है तो कैथोड का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, इसका रिडक्शन क्या हो जाएगा प्लस 0.34, तो ई नॉट आ जाएगा आपका एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का ऑक्सीडेशन दिया हुआ पर कैथोड का रिडक्शन लेंगे तो प्लस 0.34।
-0.059/2 इंटू लॉग ऑफ Zn2+ by Cu2+। तो अब इसको ऐड कीजिए, सही से करेंगे तो आएगा 1.1, इसको इधर भेजेंगे, माइनस माइनस चला जाने वाला है, -0.059/2 इंटू लॉग ऑफ Zn2+ by Cu2+। अब सॉल्व करना है इसको, सो इम्प्लाइज दैट लॉग ऑफ Zn2+ by Cu2+ इज इक्वल टू 2.2 / 0.059। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आपका आएगा 2 × 10⁻³⁷।